नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। विक्रम साराभाई को हम शत नमन करते हैं और ऐसे महान वैज्ञानिक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में एक समृद्ध जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अम्बालाल साराभाई और माता का नाम श्रीमती सरला साराभाई था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता अम्बालाल साराभाई एक संपन्न उद्योगपति थे और गुजरात में कई मिलों के मालिक थे। विक्रम साराभाई अपने माता पिता की 8 संतानों में से एक थे। विक्रम साराभाई को डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम से जाना जाता है। जहां तक उनकी शिक्षा की बात है, गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा पूरी करने के बाद 1937 में वे कैम्ब्रिज इंग्लैंड चले गए, जहां 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस डिग्री प्राप्त की। ट्राइपोस डिग्री का तात्पर्य है कि सभी कैम्ब्रिज स्नातक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन ट्राइपोस नामक व्यापक विषय क्षेत्रों में परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है और इसमें विभिन्न स्तर होते हैं। उन स्तर को उत्तीर्ण करने के बाद ट्राइपोस डिग्री मिलती है। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वे कैम्ब्रिज से भारत लौट आए शोध एवं अनुसंधान। इसके बाद बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में नौकरी करने लगे, जहां विक्रम साराभाई महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक हैं, के संपर्क में आए। उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड किरणों कॉस्मिक रेस पर अनुसंधान किया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वे वापस कैम्ब्रिज लौट आए और 1947 में टॉपिकल लेटिट्यूड में कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन शीर्षक से उनकी थीसिस के लिए पीएचडी की डिग्री से उन्हें सम्मानित किया गया। पीएचडी डिग्री यहां पर उनको अवार्ड की गई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे लाना चाहते थे। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया। बाद में अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय बेंगलोर है। आज विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई ने देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना की। थुम्बा भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम शहर का एक गांव है।
अरब तट पर तिरुवनंतपुरम के पास स्थित यह गांव थुम्बा भूचुंबकीय भूमध्य रेखा से निकट है। थुम्बा की इस अनूठी विशेषता होने के कारण वहां पर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के लिए चयन किया गया। विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान इस प्रकार है। 1947 में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL, 1949 में दर्पण अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद, 1960 में सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, 1961 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, 1963 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSA तिरुवनंतपुरम, 1967 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड हैदराबाद, 1967 में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, 1971 में फास्टर ब्रीडर रिएक्टर कल्पक्कम, 1966 में स्थापित प्रायोगिक उपग्रह संचार अर्थ स्टेशन, जिसका बाद में 1972 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद रखा गया। तो ये ऐसे संस्थान हैं जिनमें विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम साराभाई की उपलब्धियों की बात करें तो डॉक्टर साराभाई 1965 से भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के निदेशक रहे और 1966 से 1971 के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वे हमेशा चाहते थे कि विज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने देश के वास्तविक संस्थानों के तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर देश की समस्याओं के समाधान के लिए उन्नत तकनीक एडवांस टेक्नोलॉजी में दक्षता हासिल करने की दिशा में काम किया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण और मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। तिरुवनंतपुरम के कोवलम में 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई इस दुनिया से विदा हो गए। साराभाई की स्मृति में इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थापित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किया गया और 1974 में सिडनी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फैसला किया कि सी ऑफ सेरेनिटी में एक मून क्रेटर बेसल को साराभाई क्रेटर के रूप में जाना जाएगा। साराभाई का स्वप्न पूरा हुआ। साराभाई ने एक भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए परियोजना प्रारंभ की थी। नतीजन पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में एक कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया गया जो सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था। भारत की अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुई और इस प्रकार डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्वप्न पूरा हुआ।